हे फ्रेंड्स, वेलकम टू SGT। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में। हमने पढ़ा था कितने तरीके के मेथड्स को हम जावा में यूज कर सकते हैं, और हमने पढ़ा था हम सिर्फ दो तरीके के मेथड्स को जावा में यूज कर सकते हैं, जो कि हमारा प्री डिफाइंड मेथड्स और यूजर डिफाइंड मेथड्स। हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर में प्री डिफाइंड मेथड्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था टाइप्स ऑफ मेथड्स के बारे में। आपको बता दूं, जावा में दो तरीके के मेथड्स को यूज करी जाती है, जो कि हमारा प्री डिफाइंड मेथड्स और दूसरी हमारा यूजर डिफाइंड मेथड्स। तो हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था प्री डिफाइंड मेथड्स के बारे में, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स के बारे में। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, बेसिकली प्री डिफाइंड मेथड्स होते क्या हैं। तो अगर बात करें प्री डिफाइंड मेथड्स का, तो जो मेथड्स पहले से जावा की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, यानी कि पहले से डिफाइन करी गई है, हम उसको कहेंगे हमारे प्री डिफाइंड मेथड्स है। आपने बहुत बार यूज करी होगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है, प्रिंट या प्रिंट एलन कुछ भी हो सकता है। तो ये जो प्रिंट एलन है, ये हमारा मेथड है, ये जो है ये हमारा प्री डिफाइंड मेथड, इसको हम खुद नहीं बनाते, ये पहले से जावा की लाइब्रेरी में अवेलेबल है। अगर ये जो मेथड के अंदर मैं कुछ आर्गुमेंट को पास करता हूँ, अगर मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया हेलो, तो बेसिकली यहाँ पर हेलो को प्रिंट कर देगा। अगर मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया कि SGT, तो यहाँ पर SGT को प्रिंट कर देगा कंसोल पे। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि जो प्रिंट एलन मेथड होता है, ये प्री डिफाइंड मेथड है, जो कि यूज होती है कोई भी चीज़ को प्रिंट करने के लिए। तो अगर बात करें ऐसे बहुत सारे प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, अगर बात करें मिन, तो ये जो मेथड है ये अवेलेबल है मैथ क्लास में, तो हम इसको एक्सेस करेंगे मैथ, जो हमारा क्लास का नाम है मैथ डॉट मिन। तो यानी कि जो मीन मेथड है, अगर हम इसके अंदर कुछ आर्गुमेंट को पास करते हैं, यानी कि 10 और 11, तो इन दोनों के बीच में जो मिनिमम नंबर होगा, यानी कि जो छोटा नंबर होगा, ये इसको यहाँ पर आज आउटपुट शो कर देगा। तो बेसिकली जावा में ऐसे मल्टीपल प्री डिफाइंड मेथड्स अवेलेबल है, जैसे कि मीन, मैक्स, स्क्वायर रूट, जैसे हमने प्रिंट एलन देखा प्रिंट होता है, तो ऐसे मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल हैं जावा की लाइब्रेरी में। मैं आपको बता चुका हूँ कि जावा की एक वास्ट लाइब्रेरी है, जिसके अंदर मल्टीपल पैकेजेस, मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल मेथड्स अवेलेबल हैं। तो बेसिकली जो मेथड पहले से जावा की लाइब्रेरी में अवेलेबल है, हम उसको कहेंगे प्री डिफाइंड मेथड्स। तो अगर आपको प्री डिफाइंड मेथड्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है, तो आपको जो भी प्री डिफाइंड मेथड्स की जो वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहाँ पर मैंने आपको एक प्रोग्राम भी करके दिखाया था कि हाउ टू एक्सेस प्री डिफाइंड मेथड्स इन जावा प्रोग्राम। तो बेसिकली जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा यूजर डिफाइंड मेथड्स। तो चलिए बात करते हैं क्या होती है यूजर डिफाइंड मेथड्स। तो ये एक ऐसी मेथड है जिसको यूजर डिफाइन करता है, यूजर मतलब जो प्रोग्रामर, यानी कि हम लोग ने, यानी कि अगर मान लो कि आप एक जावा की प्रोग्रामर हो, तो आपको एक मेथड डिफाइन करनी है, जो मेथड आपने डिफाइन करी हुआ है हमारा method1, ठीक है, ये एक मेथड का नाम है। तो बेसिकली यहाँ पर हम मेथड की बॉडी को क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मतलब एक डेमो है, यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर पब्लिक void कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कहते हैं पब्लिक void method1, यानी कि जो मेथड का नाम है वो हमारा method1 है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज होने की बात ही नहीं, हम कर देता हूँ मैं method1 इज़ द नेम ऑफ अ मेथड, ठीक है, सिंपल है। तो ये जो method1 है, ये एक मेथड है जिसका नाम है method1। तो सिंपल इसका बॉडी है, इसलिए यहाँ तक है। तो बेसिकली ये जो मेथड मैंने क्रिएट करा, जो कि पब्लिक टाइप का, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं, यानी कि void है। हम आगे पढ़ेंगे रिटर्न टाइप के बारे में, और जो भी मॉडिफायर्स यूज होते हैं मेथड्स में उसके बारे में आगे पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली जो मेथड होता है, इसका नाम है method1। तो ये जो method1 है, इसको मैंने डिफाइन करा, यानी कि जो आज ए प्रोग्रामर, यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन करा है, तो हम कह सकते हैं method1 इज ए यूजर डिफाइंड मेथड, यानी कि हम कह सकते हैं method1 इज अ यूजर डिफाइंड मेथड, ठीक है। जो यूजर होता है, अगर यूजर कोई भी या प्रोग्रामर कोई भी मेथड को डिफाइन करता है, हम इसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड मेथड्स, ठीक है। तो हमको पूरी तरह से इजाजत है, हम कोई भी मेथड को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं जो यूजर होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी मेथड को क्रिएट करते हैं, हम इसको बोलेंगे यूजर डिफाइंड मेथड्स, यानी कि इसको खुद ही यूजर डिफाइन कर रहा है, सिंपल है। तो यूजर अपने हिसाब से कुछ भी मेथड को डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि स्टैटिक मेथड, पब्लिक मेथड, प्राइवेट मेथड, व्हाट एवर इट इज। तो जो यूजर होती है, यूजर को पूरी तरह से परमिशन है, वो किसी भी तरह की मेथड्स को डिफाइन कर सकते हैं, वो स्टैटिक हो, void हो, पब्लिक हो, प्राइवेट हो, हमें कोई मतलब नहीं है। यानी कि हम कह सकते हैं जिस मेथड को यूजर डिफाइन करते हैं, हम कहेंगे इसको यूजर डिफाइन मेथड्स। तो चलिए इसको जावा की प्रोग्राम इंप्लीमेंट करेंगे, यानी कि एक जावा की प्रोग्राम करेंगे जिसमें हम अपना खुद का मेथड क्रिएट करेंगे, यानी कि यूजर डिफाइन मेथड्स को क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली जावा में कोड लिखने के लिए जो टेक्स्ट एडिटर उसको ओपन कर चुका हूँ, यहाँ पर पहले से सेव है example.java के नाम से, यानी कि जो example.java है हमारा जावा की फाइल का नाम है, तो सिंपल है। और फाइल का नाम क्लास का नाम सेम होनी चाहिए, तो यहाँ पर मैंने करा क्लास example, यानी कि
क्लास का नाम जो, फाइल का नाम भी वही है। क्लास एग्जांपल, क्लास की बॉडी, यहाँ तक सिंपल है। जो बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी बेसिक स्केलेटन होते हैं प्रोग्राम को, यहाँ पर मैंने इसको डिफाइन कर चुका हूँ। तो यहाँ पर हम करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, वॉइड मेन स्ट्रिंग के एरे, फिर ARGS। तो यहाँ पर सिंपल है, जो मेन है हमारा, ये मेथड का नाम है। यहाँ पर जो मैंने मेन मेथड डिफाइन करा है, जो मेन है मेरा मेथड का नाम है। तो यहाँ पर भी एक मेथड है। जावा में कोई भी प्रोग्राम लिखो आप, छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, तो हर एक प्रोग्राम कोई ना कोई एक मेथड का हिस्सा होता है। तो सिंपल है। तो अगर बात करें मेन मेथड का, तो सिंपल ये जो मेन है मेथड का नाम है, वॉइड है, रिटर्न टाइप, स्टैटिक क्यों है मैं आगे बताऊँगा कि हम खुद का स्टैटिक मेथड कैसे बना सकते हैं। जो पब्लिक है, पब्लिक टाइप का मेथड, यानी कि ये हर एक क्लास को, हर एक पैकेज को विजिबल हो पाए। तो बेसिकली ये जो स्ट्रिंग एरे ARGS है, ये एक आर्गुमेंट के हिसाब से मैं इसको यहाँ पर पास कर रहा हूँ। तो सिंपल ये भी एक मेथड का नाम है। तो हम कह सकते हैं मेन इज ऑल्सो ए मेथड नेम, मेन इज ऑल्सो ए मेथड नेम, सिंपल है। तो यहाँ पर मैं सिंपल इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसको स्किप करते हैं, और यहाँ पर मैं खुद का मेथड क्रिएट करना चाहता हूँ, ठीक है, यानी कि यूजर डिफाइंड मेथड। तो यहाँ पर मैंने करा पब्लिक, ठीक है, स्टैटिक, स्टैटिक क्यों है आगे बताऊँगा, स्टैटिक करो या ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहाँ पर मैंने करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड M1, हमेशा मेथड का नाम मैंने M1 ही रखता हूँ। तो आप कुछ भी, यहाँ पर जो नाम होते हैं मेथड्स का, आप कुछ भी कर सकते हो, M1, M2, M3, शाहरुख खान, कुछ भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यानी कि कुछ भी यहाँ पर मेथड का नाम कर सकते हो, सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने कर दिया system.out.println, ठीक है, सॉरी ये प्राइवेट हो गया, println, ln का मतलब न्यू लाइन क्रिएट करना होता है। आप चाहो तो प्रिंट भी कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर पास कर रहा हूँ कि हम कर देता हूँ आई एम फ्रॉम, जो मेथड है ये बोल रहे कि आई एम फ्रॉम यूजर डिफाइंड मेथड, यूजर डिफाइंड मेथड, सिंपल है, प्लीज कॉल मी, प्लीज कॉल मी सो दैट आई कैन गिव यू आउटपुट। तो यहाँ तो सिंपल है कि हमने एक मेथड क्रिएट करा जिसका नाम है M1। तो ये जो M1 है, ये मेरा क्या है, यूजर डिफाइंड मेथड, ठीक, सिंपल है। M1 इज द यूजर डिफाइंड मेथड, यानी कि इसको यूजर अपनी हाथों से डिफाइन कर रहा है, ठीक है, इसको जरूरत है यूजर को। तो हम कह सकते हैं इट इज ए यूजर डिफाइंड मेथड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मेथड क्रिएट हो चुका है, उसके अंदर कुछ हमें स्टेटमेंट को लिख चुके हैं, यानी कि system.out.println आई एम फ्रॉम यूजर डिफाइंड मेथड। तो बेसिकली यहाँ पर कर देते हैं ब्रैकेट में M1। तो मैं चाहता हूँ ये जो आउटपुट है, यानी कि जो M1 के अंदर जो स्टेटमेंट है, वो मेरे को कंसोल पे प्रिंट हो जाए, यानी कि आई एम फ्रॉम यूजर डिफाइंड मेथड प्लीज़ कॉल मी, यानी कि जो आउटपुट है ये मैं चाहता हूँ शो हो जाए कंसोल पे। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, इस मेथड को मैं कॉल करूँगा। तो हम कभी भी किसी को बुलाते हैं उसके नाम से बुलाते हैं, आपका नाम कुछ भी हो, अगर मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आपको नाम लेके पुकारूंगा ना कि वट एवर इट इज प्लीज सुन लो। तो बेसिकली सिंपल है, अगर हम कोई भी मेथड को कॉल करना चाहते हैं, उसका भी एक नाम होता है, यानी कि हर एक मेथड का नाम होता है, जैसे इसका नाम है M1। तो हम अगर मेथड को कॉल करेंगे बाय यूजिंग मेथड नेम, तो मेथड का नाम M1 है। तो अगर हम चाहते हैं इसको कॉल करने के लिए, उससे पहले हमको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम्पल क्लास का, ठीक है, एग्जाम्पल E=new example। मैं जो भी क्लास है एग्जाम्पल क्लास, उसका मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा example E=new example, जो ई है हमारा ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है। तो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस को यूज करके हम मेथड को कॉल करते हैं, सिंपल है। तो E.M1, ई ने M1 को बुलाया कि यहाँ पर आ जाओ, ताकि हम आउटपुट को शो कर पाए कंसोल पे, सिंपल है, E.M1। तो इतनी कोड की मदद से ये जो पूरी आउटपुट है, यानी कि आई एम फ्रॉम यूजर डिफाइंड मेथड M1 प्लीज़ कॉल मी, वट एवर इट इज, जो भी है यहाँ पर यह शो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी M1 के अंदर जो भी स्टेटमेंट अपने आप यहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे बाय कॉलिंग मेथड M1, सिंपल है। तो इतनी कोड की मदद से हमको ये आउटपुट मिल सकता है। तो सिंपल है, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इस प्रोग्राम किस तरह से फ्लो करेगा। यहाँ पर मैंने क्लास को डिफाइन करा, जो कि एग्जाम्पल क्लास, तो क्लास की बॉडी मैंने क्रिएट करा, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर मेन मेथड को डिफाइन कर चुके हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ARGS, तो छोड़ दिया मैंने डिफाइन करके, इसमें कोई कुछ मैंने यहाँ पर कोड करा ही नहीं। तो क्या होता है, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं स्टेप वाइज चलेंगे ना, तो प्रोग्रामिंग ज़्यादा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेन की स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, तो ऐसे छोटी मोटी गलती होती रहती है। मेन इज ऑल्सो मेथड नेम, सिंपल है। तो बेसिकली जो मेन मेथड मैंने क्रिएट करा, उसके अंदर मैंने कोड लिखा ही नहीं, मान लो यहाँ पर कुछ कोड है नहीं, सिंपल है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। तो इस प्रोग्राम में हमारा जो मोटिव था, ये था कि हम एक यूजर डिफाइंड मेथड क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली मैंने एक मेथड को क्रिएट करा, जो कि यूजर डिफाइंड मेथड, यानी कि जो M1 है मेरा खुद का मेथड है भाई। तो यहाँ पर मैंने करा पब्लिक स्टैटिक वॉइड M1। तो बेसिकली जो मेथड है
स्टैटिक क्यों है आगे बताऊंगा, वॉइड क्यों है और पब्लिक क्यों है, तो इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। सिंपल हम पढ़ने जा रहे हैं यूजर डिफाइंड मेथड्स के बारे में। आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए यूजर डिफाइंड मेथड्स के बारे में, सिंपल है। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड ये क्यों है हम आगे पढ़ेंगे। तो M1 मेरे मेथड का नाम है। तो M1 के अंदर कुछ मैंने स्टेटमेंट को यहाँ पर कोड करा है जो कि system.out.println, इसके मदद से हम कोई भी स्टेटमेंट हो कुछ भी हो कंसोल पे प्रिंट करवा सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये जो आउटपुट है आई एम फ्रॉम यूजर डिफाइंड मेथड M1 प्लीज़ कॉल मी, ये मेरा सोच है कंसोल पे। तो मेथड तो बन गया, लेकिन अगर मेथड को हम यूज़ करना चाहते हैं तो हमको कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की रेफरेंस चाहिए, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल है, यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा ताकि मेरे को ऑब्जेक्ट की रेफरेंस मिल जाए। तो ऑब्जेक्ट किसका क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं क्लास का। तो एग्जाम्पल ई इक्वल टू न्यू एग्जाम्पल, ये जो ई हमारा ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है। तो हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम के बारे में पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होती है और ऑब्जेक्ट को हम क्यों क्रिएट करते हैं डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंपल है, न्यू कीवर्ड की मदद से हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद हमको एक ऑब्जेक्ट की रेफरेंस मिला जो कि हमारा ई। तो बेसिकली यहाँ पर मैंने करा e.m1, यानी कि जो e हमारा ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है। तो m1 हमारा क्या है, मेथड का नाम है। तो ऑब्जेक्ट की रेफरेंस यूज करके मैं मेथड को कॉल कर रहा हूँ जो कि m1 है। तो यहाँ तक सिंपल है। तो इतनी कोड की मदद से हम एक कोई भी मेथड को कॉल कर सकते हैं और मेथड के अंदर कुछ डिफाइन हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसको मैं यहाँ पर सेव करा, तो सेव हो चुका है। अभी करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए cmd ओपन करना पड़ेगा। तो cmd, तो देख सकते हैं यहाँ पर cmd ओपन हो चुका है। तो अभी करते हैं जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा। एग्जाम्पल हमारा क्या है, फाइल का नाम है। हमेशा कंपाइल टाइम में फाइल का नाम यूज करी जाती है। तो बेसिकली जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, इट इज टेकिंग सम टाइम। या तो कंपाइल हो चुका है, मैं आपको दिखा दूं कि जो वो वाला फाइल है हमारा डॉट क्लास फाइल वो भी क्रिएट हो चुका होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो कि एग्जाम्पल है हमारा जावा की फाइल है कि हमारा क्लास का फाइल है, यानी कि जो ये हमारा डॉट क्लास फाइल है। सिंपल है कि आफ्टर कंपाइल तो डॉट क्लास फाइल होती है क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो इसमें कोई एरर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कंपाइल हो चुका है, अभी इसको रन करते हैं। मैंने कहा जावा एग्जाम्पल, तो यहाँ पर आउटपुट शो कर रहा है जो कि आई एम फ्रॉम यूजर डिफाइंड मेथड M1 प्लीज कॉल मी। हमने इसको कॉल करा, यहाँ पर आउटपुट शो कर रहे हैं। तो अब जब भी हम मेथड को कॉल करेंगे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट की रेफरेंस, सिंपल है यहाँ तक। तो आपको और एक बात बता दूँ यहाँ पर कि मान लो कि यहाँ पर एक मेथड M1 है, तो यहाँ पर मैं मल्टीपल मेथड को भी क्रिएट कर सकता हूँ। यानी कि यहाँ पर मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉयड M2, ठीक है M2 सिंपल है। तो ये जो M2 है मेथड का नाम है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है मेथड की बॉडी। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैंने करा int a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 20, सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने करता है int c इक्वल टू a प्लस b। हम यहाँ पर यूजर से इनपुट ले रहे हैं, हम खुद से यहाँ पर वैल्यू को डिफाइन कर रहे हैं। तो आप चाहो तो यूजर से भी इनपुट ले सकते हैं, यहाँ पर कोई एरर नहीं शो करेगा। system.out.println, ठीक है। यहाँ पर मैं वैल्यू को शो करता हूँ, सिंपल c को मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ। चलो हम कर देते हैं द एडिशन इज प्लस c, सिंपल है। तो ये भी चल जाएगा, किस चलेगा, बाय यूजिंग मेथड नेम। तो हम इसको कॉल करेंगे तभी चलेगा। तो यहाँ पर मैंने करा e डॉट, मेथड का नाम है M2, सिंपल है। तो M2 यहाँ पर कॉल हो जाएगा तो ये चल जाएगा। चलिए इसको करके देखते हैं। यहाँ पर मैं इसको सेव करा, तो सेव हो चुका है बिल्कुल। तो जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, तो यहाँ पर एक एरर शो कर रहा है जो कि यहाँ पर कुछ एरर है जो कि यहाँ पर हमको कॉमा देना था, हमने यहाँ पर सेमीकोलन प्रोवाइड करी है, तो इसलिए हमारे एरर शो कर रहा है। तो कोई बात नहीं, चलिए इसको रिजोल्व करते हैं। तो यहाँ पर एरर इसलिए शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन मैंने दे दिया, यहाँ पर मेरे को कॉमा देना था। तो सिंपल ऐसे होती है छोटी मोटी एरर, रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग है। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर करके दिखा रहे हैं, तो छोटी मोटी एरर तो होती है। तो चलिए इसको सेव करते हैं, फिर से चला के देखते हैं। सेव हो चुका है, जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा चल रहा है, कोई एरर नहीं है इसमें। वहाँ पर एरर था कि हमने यहाँ पर कॉमा प्रोवाइड नहीं करा था, इसीलिए था जावा एग्जाम्पल। यहाँ पर देख सकते हो कि आई एम फ्रॉम यूजर डिफाइंड मेथड M1। तो मेथड M1 के अंदर जो भी सारे स्टेटमेंट यहाँ पर शो कर रहे हैं, ये M2 का जो भी कोड है यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो हम मेथड को जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार यहाँ पर रिजल्ट को शो करेगा। इसको एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मान लो यहाँ पर मैंने कर दिया e.m1, ठीक है। फिर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ e.m1, फिर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ e.m1। आपको जितनी बार मन करे इतनी बार कर दो e.m2, एक बार m2 भी कर लेते हैं e.m2। तो सिंपल है,
तो जितनी बार हम मेथड को कॉल करेंगे बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट की रेफरेंस, तो उतनी बार ये हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो सिंपल यहाँ पर मैंने सेव करा, तो अभी करते हैं इसको कंपाइल। मैंने करा जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, चल रहा है जावा एग्जाम्पल। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने करा आई एम फ्रॉम यूजर डिफाइंड मेथड M1, यहाँ पर मैंने M1 को कॉल करा था, फिर उसके बाद M2 का, फिर M1, फिर जो भी M2 की हमने दो बार करा आखिरी में, तो यहाँ पर ये शो कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो भी मेथड्स होते हैं, चाहे वो यूजर डिफाइंड हो चाहे प्री डिफाइंड हो, हम एक ही मेथड को जितनी बार कॉल करेंगे उतनी बार ये एग्जीक्यूट होगा और उतनी बार हमको आउटपुट प्रोवाइड करेगा। तो ये था आज का प्रोग्राम, आज का वीडियो आपको बताने के लिए व्हाट इज यूजर डिफाइंड मेथड एंड हाउ टू यूज यूजर डिफाइंड मेथड एंड हाउ टू कॉल यूजर डिफाइंड मेथड। तो अगर आपको लगता है कहने के काम का चीज़ें, कोई भी चीज़ यहाँ पर सीखने को मिला, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग वीडियो देख पाए। तो ये था आज का वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।